तो भोपाल के गांव बरखेड़ी की ये लड़की 2012 में स्टडी के लिए अमेरिका चली गई। यहां स्टडी करने के बाद उसे बढ़िया पैकेज पर जॉब भी ऑफर हुई, लेकिन इसने उस जॉब को एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि उसके पापा चाहते थे कि बेटी गांव में रहकर अपने गांव का नाम रोशन करे। पापा के ड्रीम को पूरा करने के लिए ये बेटी अमेरिका से वापस गाँव लौट आई। वापिस लौटने के बाद उसने लेडीज को डोमेस्टिक वायलेंस से बचाने का काम किया। इसी बीच गाँव में सरपंच पद के इलेक्शन हुए, उस लड़की ने भी इलेक्शन लड़ा और पूरे गांव वालों की सपोर्ट से अपने गांव की फर्स्ट लेडी सरपंच बन गई। दोस्तों 25 साल की एज में ये लड़की सरपंच बन गई। सरपंच बनते ही इसने गांव की प्रोग्रेस के लिए काम करना शुरू किया। उसने जस्ट 10 मंथ में गांव की प्रोग्रेस में 1,25,00,000 रुपए खर्च कर दिए और गांव में नई सड़कें और शौचालय बनवा दिए। इतना ही नहीं दोस्तों, इस लेडी सरपंच ने गांव के करीब 80% मकान पक्के करवा दिए। दोस्तों इस लेडी सरपंच का नाम है भक्ति शर्मा। इस लड़की की सोच आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।